भगवान बिठा दीजिए। अरे बगू बैठेगा आप? करेन मारता है का? मरियो हाथों में ही। हे गाइस, तो आपने अभी देखा जो मशीन था वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मशीन। उससे पैर का मतलब कि फुट मसाज है वो, तो पैर का जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो आते के साथ सबसे पहले मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बोला कि मम्मी का करते हैं। तो मैं रोटी बना रही थी, अरे मेरे हस्बैंड मम्मी का ये फुट मसाज कर रहे थे समझ लो। यहाँ पे हम फिर उसी दिन ये एक दिन पहले का है, हम आए थे खाना खाने के लिए रात में। तो रात में देखो हम मतलब जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे ही आए थे, हम मुंबई साइड नहीं कहीं घूमे थे। तो मम्मी और हम लोग बोले चलो आज कम से कम कुछ नहीं किया तो कम से कम मम्मी आई है इतना दूर से अभी। तो अभी हमने वेडिंग एनिवर्सरी भी नहीं बनाया था, कहीं घूमने भी हम मुंबई साइड मम्मी को नहीं लेके गए थे। तो मम्मी के जाने के एक दिन पहले, ये एक दिन पहले का वीडियो है, मम्मी के जाने का एक दिन पहले का वीडियो है। और उसी रात में हम गए थे खाना खाने। और यहाँ बुग्गू बहुत बदमाशी कर रहा था सच में। बच्चों का ना आदत, मुझे तो लग रहा है मुझे हर मंथ में एक बार तो बाबू को लेके जाना पड़ा। बाबू यहाँ नींबू आप सर्व कर रहे थे खाना, उससे पहले वो नींबू लेके आए थे तो नींबू वो मुंह में डाल दिया था। उसका चेहरा आप देखना कैसे बना रहा है, कैसे बना रहा, आह खट्टा खट्टा खट्टा। मेरा बुग्गू इतना बदमाशी कर रहा था कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो वेटर थे ना वो बहुत ज़्यादा बुग्गू से खुश हो गए थे क्योंकि बुग्गू उनके साथ खेलने लगा था। तो मेरा बुग्गू का एक आदत है, ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा इसलिए, लेकिन वो जहाँ भी जाता है ना वो उसका रह जाता है इसलिए, क्योंकि वो ना शर्माता नहीं, खेलने लगता है, कुछ कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है कि लोग उसको देख के मतलब कि अच्छा फील करते हैं कि हाँ ये बच्चा तो बहुत इंटरेस्ट है। वो आपको भी देखेगा ना, आप जो भी सब्सक्राइबर है, तो वो बहुत नखरे करने लगेंगे। और इधर से उधर वो कर रहा था। अब बुग्गू पता है इधर वाले सीट में आके हमारे जस्ट बगल में सब लोग मतलब लड़के लड़कियाँ थे, दोस्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होंगे। तो मेरा बुग्गू जहाँ भी जाता है वहाँ पे लड़कियों लोगों को, दीदी लोगों को, बड़ी बड़ी दीदी लोगों को, बड़ी बड़ी आंटी लोगों को
थोड़ा मस्का मार देता तो वो पीछे पलट पलट के वो लोग लाइन मार रहा था। अगर ऐसी लैंग्वेज में बोलो तो लाइन मार रहा था। और वो लोग भी बहुत हंस रही थी, वो जो लड़कियां थी ना बहुत ज़्यादा हंस रही थी बुग्गू की हरकतें देख के, क्योंकि वो लोग जब उसको देख रहे थे तो बुग्गू छिप जा रहा था, वो शर्मा जा रहा था। अब फिर वो जब उधर फेस कर लेते थे तो फिर बुग्गू देखने लगता था। तो सबसे ज़्यादा हमें डर लग रहा था कि वो प्लेट वगैरह ना गिरा दे, क्योंकि इसकी हरकतें थी ऐसी। और जो खाना आया था सब इधर ही था, तो हमने बोला थोड़ा उधर कर दो भाई, क्योंकि यहाँ जो बच्चा बहुत शैतान बच्चा है। तो इस वजह से तो हमने यहाँ पे देखो मंगाया था, हमने स्टार्टर्स नहीं मंगाया, डायरेक्ट हमने खाना ही मंगाया था, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गए थे रात बहुत, तो हम सोचे चलो खाना ही डायरेक्ट खा के हट जाते हैं फटाफट। तो यहाँ पे हमने मंगाया था चिकन बटर और नान्स क्या हुआ तंदूरी रोटी और एक फी पनीर मसाला मंगाए थे, और एक मंगाई थी मैंने ये मछली, मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था कि मम्मी खाएगी मच्छी, लेकिन जो मच्छी का हमने सोचा था वो हमें वो कुछ और दे दिया, हमें फिश क्या बोलते हैं फिश चिल्ली दे दिया था, जबकि हमने ड्राई फिश मंगाया था हमने, लेकिन वो गलती से मिस्टेक से दे दिया। तो हमने कुछ बोला नहीं, हम लोग चलो कोई नहीं। और मैं यहाँ पे देखो खा रही थी, मेरे हस्बैंड भी खा रहे थे, और इधर जो आप पीछे लड़कियाँ देख रहे ना उसको ही बुग्गू बहुत ज़्यादा लाइन मार रहा था। बुग्गू बहुत 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 ज़्यादा बदमाश हो गया, बहुत ज़्यादा, चलो इतना ज़्यादा कि क्या ही बताऊँ। ऐसे ही सुबह उठते ही नानी के साथ खेलता है, शाम को भी नानी, मतलब जब से मम्मी है तब से बुग्गू मम्मी के पास ही रहता है। देखो देखो नानी नानी से ही मांगना खाने को दो नानी, क्योंकि हम और माहिर तो इसको थोड़ा सा लपटा देते हैं, तो नानी का दीवाना हो गया है, नानी नहीं लपेटती है ना इसके लिए। और आज मम्मी की हो रही है विदाई, मम्मी जा रही है मेरी। मम्मी जा रही है तुम मम्मी को ये रहता है कि आपको नाइटी में ही वीडियो बना देती हूँ। अभी रात हो रहा है, मम्मी आज जाने वाली है रांची, मुंबई से रांची ना। मम्मी ये मेरी बड़ी बहन आई है, और ये जो मेरा भाई लड्डू रो रहा है, लड्डू गोपाल लड्डू ही जो है ना, वही कितना रो है, रो रहा है क्या, अच्छा नहीं लग रहा ना मम्मी, वही रो रहा है तू, हंस रहा है, है? ये बहुत सारा रो लिया है। हाँ तो बहुत सारा रो लिया है, पूरा एक गमला पूरा पानी हो गया है रोज लाई से इसका। और अभी पति जी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे खाना खाएंगे और मम्मी को लेके फिर चले जाएंगे ट्रेन बैठाने, लोकमान्य तिलक, हटिया का ट्रेन है, हटिया ट्रेन है, और मम्मी अकेले जा रही है तो हम लोगों को थोड़ा टेंशन हो जाता है। क्या हुआ बुग्गू, सबसे ज़्यादा गंदा लगेगा बुग्गू के लिए, क्योंकि बुग्गू मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, नानी के साथ ही बैठता था। यहाँ तीनों बच्चे खाना खा रही है, मेरी बहन के बच्चे हैं और ये मेरा बुग्गू है। हाँ बुग्गू सब जानता है मम्मी वीडियो बना रही है मेरी। तो 8:45 हो गया है और 9:30 बजे का टाइमिंग है, 9:30 बजे मम्मी निकल जाएगी घर से। तो यही है परम्परा कि एक माँ बेटी कुछ टाइम के लिए साथ रहते हैं, फिर उनको अलग ही होना पड़ जाता है, और मम्मी जॉब करती है तो उसको अलग ही होना पड़ जाता है।